विघ्नहर्ता गणपति की मूर्तियों में पीओपी का प्रयोग उनके सर्जन से लेकर विसर्जन तक विघ्न ही विघ्न पैदा करता है। इसलिए विद्वान कहते हैं कि गणपति की मिट्टी की मूर्त ही सर्वोत्तम है और उसी की पूजा और स्थापना होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्त सर्वोत्तम ओपी विघ्नहर्ता के विसर्जन में करती है विघ्न। गणपति महोत्सव भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। गणपति प्रकृति के दाता है। मिट्टी सबसे पवित्र मानी जाती है और धरती माता को हम माता मानते हैं। हमारे जीवन में मिट्टी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी नजदीक आते ही मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों की तैयारियां शुरू हो गई। शहर के बाजारों में विभिन्न स्वरूप धारण करने वाली मिट्टी से बने गणेश जी की प्रतिमाएं सजधज कर तैयार हो चुकी। मिट्टी का काम करने वाले कुमार जाति की महिलाएं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की मूर्ति बनाती है। नगर प्रशासन की रोक के बावजूद पीओपी की मूर्तियां बाजार में आने के कारण मूर्तिकारों की आय में विघ्न बन जाती है, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। पर्यावरण में विघ्न उत्पन्न ना हो इसलिए हमें चाहिए कि अधिक से अधिक रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति की मिट्टी की मूर्ति का ही उपयोग हो, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न हो और हमारे विघ्नकर्ता के प्रति जो आस्था है उसके अनुसार पूजा अर्चना कर सके और उसको जो विसर्जित किया जाए तो वो पर्यावरण में मिल जाए, जिससे पानी में रहने वाले जीवों को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। पर्यावरण प्रेमी बताते हैं कि सरकार ने पीओपी की मूर्तियों पर अंकुश लगा रखा है और कानूनन इसे बेचने पर भी रोक है। इसके बावजूद ये आस्था का विषय होने के कारण प्रशासन ध्यान नहीं देता। लोग गणपति महोत्सव के दौरान मूर्तियां खरीदते हैं और उनका विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर विघ्न हरण को अपने घरों में विराजमान करते हैं, मगर उनसे अनुरोध है कि मूर्ति खरीदने से पहले ये जरूर सुनिश्चित करें कि मूर्ति किस चीज की बनी है, क्या ये पर्यावरण के साथ घुल मिल जाएगी, जिससे किसी भी जीव जंतुओं के जीवन में विघ्न उत्पन्न ना हो। और इसका भी हमें त्योहार का पूरा ख्याल रखना है कि किसी तरीके से उन गणपति की प्रतिमा का विसर्जन भी विधिवत हो सके। पीओपी की मूर्तियों का विधिवत विसर्जन नहीं हो पाता, वे उसी स्वरूप में जब पानी सूखता है तब देखी जाती है। इससे बदहाली से आस्था पर भी आघात होता है। मूर्ति बनाने वाली महिलाओं से मूर्तियों के विषय में जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि हम मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, हमने गए वर्ष भी मूर्तियां बनाई मगर हमको नुकसान हुआ। इस साल भी हमने मूर्तियां बनाई है, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण पर्यावरण को नुकसान हो। हम नुकसान होने के बावजूद भी मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। हमें विश्वास है कि भगवान श्री गणेश एक ना एक दिन हमारा उद्धार जरूर करेंगे। विघ्नहर्ता हमें कितना लाभ पहुंचाते हैं। देवभूमि आमरोड में मिट्टी से बर्तन और मूर्ति बनाने वाली कुमार जाति की महिलाएं पूरे परिवार के साथ मिट्टी की कलाकृतियों का काम करती है। कई लोग अपने घरों में मूर्ति स्थापित करते हैं और उसकी पूजा अर्चना कर विसर्जन करते हैं, जिससे मिट्टी की बनी मूर्तियां होती है तो उसे गमले के अंदर भी विसर्जित कर देते हैं और उसी में पवित्र तुलसी या फूलों के पौधे लगाते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। पर्यावरण प्रेमी सुनील कुमार से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मिट्टी की मूर्ति पर्यावरण के लिए लाभकारी होती है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति की बजाय अपने घरों में मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जाए। हम भी मिट्टी की मूर्ति लेके आए हैं, आप सब भी मिट्टी की मूर्ति लाना, क्योंकि पर्यावरण को हम दूषित नहीं करना चाहते हैं। और हम मिट्टी के जब विसर्जन होता है तब हम गमले के अंदर वो मिट्टी को डाल देते हैं, और जैसे तुलसी का फूल है, फूल गुलाब का फूल है, इसमें उगा देते हैं। अगले साल हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई थी मगर हमारे कम चली, क्यों कि ये प्लास्टिक की बिकती है। और अब के साल हमने फिर हिम्मत करके ग्राहकों की मांग थी कि हमको मिट्टी की मूर्ति ही चाहिए, तो हमने अब फिर मिट्टी की मूर्ति बनाने की हिम्मत की है। और सब ग्राहक को हाथ जोड़ के रिश्वत करते हैं कि हमारे घर कुमार बल्ले में मिट्टी की मूर्ति मिलती है। ये मिट्टी की मूर्ति कब से बनाने लगे आपको, कैसे ये अभी अभी बनाने लगे हैं कि समाज वाले बोलते हैं कि अगर प्योर मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए, अगर ये प्लास्टिक वाली मूर्तियाँ होती है जो जल बल फिश वगैरह होती है उनको बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो हमको आगे से सरकार भी बोलती है कि तुम प्योर मिट्टी बनाओ। ये मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी बहन सब ने मेहनत करके प्योर मिट्टी की मूर्ति बनाई है। बहुत इसमें बहुत अगर बहुत सारों ने बहुत मिलके बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर जरूर खरीदे। हम बहुत मेहनत करते हैं, अगर प्योर मिट्टी की है फिश वगैरह प्लास्टिक से, और वो गलती भी नहीं है, बहुत नुकसान पहुंचाती है फिश वगैरह। आने वाले 2 दिन में गणेश चतुर्थी
मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में सार्वजनिक रूप से तो गणेश उत्सव बनाना अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो जो लोग अपने घरों में भगवान की मूर्ति विराजमान करते हैं उन्हें इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों का ही उपयोग करना चाहिए। अभी बाजार में मिट्टी की मूर्तियां काफी तादाद में लोग लेके आए हैं बेचने के लिए, इसलिए हमें उन्हीं से मूर्तियां खरीदनी चाहिए, जिससे मिट्टी की मूर्ति खरीदने का आगे उन लोगों को प्रोत्साहन मिले। और भगवान की मूर्ति मिट्टी की ही होनी चाहिए, जिसे विसर्जन करते समय इको फ्रेंडली माहौल रहता है और ना ही मछलियां वगैरह इससे किसी का वातावरण का नुकसान नहीं होता, पानी स्वच्छ रहता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और इससे वातावरण और प्रकृति का भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, इसलिए हमें मिट्टी की मूर्तियां ही लानी चाहिए। बोलो गणपति बप्पा।